जबलपुर से लापता हुई एक महिला को पुलिस गुजरात से पकड़ कर लाई है। सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद महिला अपने मित्र के पास गुजरात चली गई थी। महिला के पति अमित जैन ने स्थानीय थाने में पत्नी निशा जैन और साली प्रिया जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुजरात पहुंचने के बाद महिला ने अपने पति को मोबाइल पर बताया था कि वह अपने दोस्त अभय तिवारी के पास गुजरात आई हुई है। अमित जैन ने पुलिस को पत्नी निशा जैन के गुजरात में होने की जानकारी दी। पुलिस ने एक जांच टीम बनाकर जांच टीम को गुजरात भेजा। जबलपुर पुलिस ने गुजरात पुलिस के सहयोग से निशा जैन और उसकी बहन प्रिया जैन को पकड़कर जबलपुर ले आई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि निशा जैन का एक साल पहले गुजरात के अभय तिवारी नामक युवक से फेसबुक पर परिचय हुआ था। इस दौरान फेसबुक के माध्यम से दोनों की दोस्ती हो गई थी। पिछले दिनों निशा जैन अपनी बहन के साथ बिना किसी को बताए गुजरात अभय तिवारी के पास चली गई थी। जबलपुर आने के बाद अब निशा को पाने किए पर पछतावा हो रहा है और वो इस मामले से सुलझने की बात कर रही हैं। हमारी चौकी में विगत कुछ दिनों पहले एक गुम इंसान कायम हुआ था अमित जैन की तरफ से। उसने रिपोर्ट कराई थी कि उसकी पत्नी प्रिया जैन और शाली प्रिया जैन पत्नी निशा जैन घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। इस पर गुम इंसान क्रमांक 26/20 कायम कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान ही अमित जैन के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी पत्नी का फ़ोन आया था। उसने बताया था कि मैं अपने दोस्त अभय तिवारी के साथ गुजरात आ गई हूँ और गुजरात में हूँ, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर एक टीम निशा जैन के पति के हमरा है और पुलिस पार्टी के हमरा है गुजरात भेजी गई थी। गुजरात पुलिस की मदद से निशा जैन उसकी बहन प्रिया जैन को वहाँ पर दस्तयाब किया गया है और चौकी लाया गया है। यहाँ पर उनके पूछताछ बयान हो रहे हैं, बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुजरात कैसे पहुँची? एक अपने एक दोस्त जो इन्हें जानती हैं फेसबुक के माध्यम से, उसके यहाँ चली गई थी अभय तिवारी के। उनसे उसकी दोस्ती फेसबुक में हुई थी एक साल पहले। अभय तिवारी गुजरात में प्राइवेट काम करता है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है वहाँ पर। क्या नाम है आपका? निशा जैन। कैसे आप गुजरात पहुँचे और किसके कारण पहुँचे? अभय तिवारी के कारण मैं गुजरात अहमदाबाद पहुँच चुकी थी। क्यों? वो मुझसे कहा था मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। और मैंने उससे कहा था कि मेरी छोटी सिस्टर भी मुझे उससे बालाघाट छोड़ने को जाना है, तो उसने मुझसे कहा था ठीक है, बालाघाट की बस लगी है तिलवारा में लगी, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसने मेरी बात को नहीं माना। जब मैंने कहा बालाघाट की बस तिलवारा में लगी, उसने कहा तिलवारा में बालाघाट की बस लगी। जब हम 2 घंटा आगे निकल गए, जबलपुर निकल गए, तब उसने बोला कि ये तो बालाघाट की बस ही नहीं है, ये तो जबलपुर की भोपाल की है। आपका कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? मेरा कांटेक्ट मोबाइल नंबर द्वारा हुआ, ट्रेन पे। आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं? हाँ। कहाँ रहते थे? जबलपुर। आपको गुजरात में पुलिस द्वारा जैसे लेके आया, कैसे सुरक्षित लेके आया, कैसे पहुंची पुलिस वहाँ? पुलिस वहाँ तक हम लोग गुजरात अहमदाबाद की पुलिस थाने में रहे 2 दिन तक। फिर मैंने अपने भैया को कॉल किया, तो मेरे भैया ने यहाँ की पुलिस भेजी है और मेरे हस्बैंड ने भी भेजा है। अब आप क्या चाहती हैं? हाँ, अभी तो सर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, बस मैं बात करना चाहती, थोड़ा फुलझना चाहती इस मैटर से। निशा द रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।